Everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 3rd August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा first word है अरबेन. अरबेन का मतलब होता है refined, मतलब pure या पॉलिश या स्टाइलिश, कल्चर्ड या फिर हम फैड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स ट्रेंड जो चल रहा है, फैशन चल रही है, दैट इज़ स्टाइलिशनेस. देन अर्बन से हम याद ऐसे रखेंगे, इट साउंड्स लाइक अर्बन, मतलब शहर के लोग. तो शहर के लोग जो है ये ज़्यादा कल्चर्ड होते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल पीपल. तो अर्बन से आप अर्बन याद रखो. देन सैंग्यूइन. सैंग्यूइन का मतलब होता है चेयरफुल, कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं स्फूर्तिदायक. ओके, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ. ओके, तो सैंग्यूइन से हम याद रखेंगे. सैंड साउंड्स लाइक सैंड और ग्यूइन साउंड्स लाइक गोइंग या गॉन. तो हम बचपन में रेत में खेलने के लिए जाते थे, बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहते थे. रेत में खेलते वक्त हम घर बनाते थे, सभी लोगों ने बनाया होगा. तो उसी सैंड से हमको याद रखना है सैंग ग्यूइन, मतलब सैंड में खेलने के लिए कोई गया है या गई है. देन रिकैल्सिट्रेंट. रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनमैनेजेबल, ऑब्स्टिनेट, मतलब जो अभी स्टेबल है. ऑब्स्टिनेट से याद रखो, अब कोई स्टेबल है. टीनेज साउंड्स लाइक स्टेबल है. स्टबबॉर्न मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहता, जहाँ पे है बस वहीं पे रहना चाहता है. तो रिकैल्सिट्रेंट से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक रिकॉल, मतलब याद करो. ओके, सिट SET याद रखेंगे. उसके बाद आंट है, तो AUNT हमारी आंट, चाची, मामी जो भी है वो याद रखो. तो रिकॉल करो कि कल से सीट, आंटी कल से यही इसी सीट पर बैठी हुई है, मतलब वो अभी तक स्टेबल ही है, अनमैनेजेबल है, वो मैनेज नहीं कर पा रही है, हिल नहीं पा रही है. ओके, रिकॉल सीट आंट, आंटी रिकॉल करो कि आंटी कल से एक ही सीट पर बैठी है. देन यूनानिमिटी. यूनानिमिटी का मतलब होता है अग्रीमेंट, हारमोनी या अकॉर्ड, मतलब किसी चीज़ से सहमत होना. ओके, तो यूनानिमिटी से हम याद रखेंगे, यूनियन से याद रखो कि कोई यूनियन बनाया गया, या फिर इट साउंड्स लाइक यूनिफॉर्म आल्सो. और मिटी से याद रखो कि मीट, मतलब किसी से मिलना. यूनिफॉर्म पहनकर हम स्कूल में जाते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो मिलते जुलते हैं, मतलब हम जो यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, जो स्कूल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम अग्री हो रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है यूनिफॉर्म से. उसके बाद जो यूनियन बनाई जाती है, यूनानिमिटी से हम यूनियन भी याद रख सकते हैं. यूनियन जब बनती है तब ऑब्वियसली सहमति से बनती है, अग्रीमेंट से बनती है, अदरवाइज वो यूनियन तो कहलाती ही नहीं है. तो यूनियन में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दैट इज़ यूनानिमिटी, मतलब अग्रीमेंट. उसके बाद प्रे. प्रे का मतलब होता है विक्टिम, कील या टारगेट, या फिर हम शिकार कहते हैं. ओके, तो ये जो PREY प्रे है ये अलग है, और PREY जो है इसका मतलब होता है शिकार. तो इसी प्रे से हम याद रखेंगे इस प्रे को, कि कोई हमारा शिकार कर रहा है और उस वक्त हम डर गए और हम भगवान जी से प्रे कर रहे हैं. तो उस प्रे से PREY ये याद रखो. देन प्लाइट. प्लाइट का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, डिलेमा या ट्रबल. ट्रबल और डिफ़िकल्टी तो कॉमन वर्ड है. डिलेमा से अब याद रखो कि हमारी मम्मा जो है वो दिल्ली गई है और किसी ट्रबल में फंस गई है. ओके, और प्लाइट से याद रखो, इट साउंड्स लाइक फ्लाइट,
तो जब कोई पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो उसे थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, तो उसी से हम याद रखेंगे डिफिकल्टी या डिलेमा। देन ल्यू रीड का मतलब होता है शॉकिंग, सेंसेशनल, लाउड या ब्राइट। तो ल्यू रीड से हम याद रखेंगे, ल्यू साउंड्स लाइक ये ले लो या लो, और रीड हम बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो कोई ये बोल रहा है कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है ना ये तुम रख लो, तुम ले लो, तो ये ऑब्वियसली शॉकिंग होगा जब कोई किसी से सुनेगा। ओके, इट वॉज इट विल बी सेंसेशनल। ओके, तो इसीलिए ल्यू से लो याद रखो और फिर रीढ़ की हड्डी याद रखो। रैपोर्ट, रैपोर्ट का मतलब होता है बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग या लिंक। तो एयरपोर्ट पर हम रैपिडली गए, रैप से याद रखो रैपिड, और पोर्ट से याद रखो एयरपोर्ट, से याद रखो एयरपोर्ट। हम जल्द से जल्द किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर बैठ गए, तो एयरपोर्ट पर मैं जब गई रैपिडली किसी को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली वो मेरा कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या रिलेटिव होगा, कोई ना कोई बॉन्ड होगा उसके साथ, इसीलिए तो मैं उन्हें लेने के लिए गई, अदरवाइज नहीं जाती। तो उसी से याद रखना है रैपोर्ट। उसके बाद वैपिड, वैपिड का मतलब होता है लाइफलेस, टेस्टलेस, वीक या डल, मतलब हम कहते हैं अधमरा। ओके, या फिर वीक। तो वैपिड से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक वापिस, हम बोलते हैं हिंदी में वापिस आ जाओ, मतलब कम बैक। तो वापिस से याद रखो कि मैं स्कूल गई या मैं मूवी देखने के लिए गई और मैं वापिस आ गई क्योंकि थिएटर बंद था, तो मैं ऐसे याद रखूँगी वापस आ रही हूँ तो मैं डल होके आ रही हूँ, मतलब कोई भी चेयरनेस नहीं है मेरे अंदर, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, लाइफलेस हो गई हूँ। ऑर्डिल, ऑर्डिल का मतलब होता है सफ़र, नाइटमेयर या ट्रबल। कोई हमारे साथ बार बार डील कर रहा है, और साउंड्स लाइक हिंदी वाला और ये है डील, ऑर्डिल। या फिर कोई और ज़्यादा हमें ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डिल साउंड्स लाइक ऑर्डर आल्सो। तो कोई बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है तो हम ऑब्वियसली सफ़र हो जाएंगे, या कोई हमारे साथ डील कर रहा है बार बार तो हम ट्रबल में आ जाएंगे, सफ़र करेंगे। तो दैट इज़ और डील या ऑर्डर से याद रखो। तो ये थे आज के हमारे 3 अगस्त 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।